आप सबका इस वीडियो सेशन में। मेरा नाम मोनिशा है और इस वीडियो में हम निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि निधि कंपनी क्या होती है। तो निधि कंपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलने वाली वह फाइनेंशियल संस्थान है जो लोगों को मेंबर बना के उनको लोन भी देती है और उनसे डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है। डिपॉजिट तीनों तरह के होते हैं, जैसे सेविंग्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। निधि कंपनी और बैंक में यही अंतर है कि बैंक RBI से मान्यता प्राप्त करती है और निधि कंपनी छोटे लेवल पे फाइनेंस का काम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा मान्यता प्राप्त करके काम करती है। निधि कंपनी का कार्यक्षेत्र वो एरिया है जहाँ पे अभी तक बैंकिंग फैसिलिटीज पूरी तौर से उपलब्ध नहीं है। यह लोगों को प्रोत्साहित करती है कि लोग अपने छोटे छोटे सेविंग्स निधि कंपनी के पास में रखें और उनसे ब्याज कमाएं। बैंकों की तरह निधि कंपनी लोन भी प्रोवाइड करवाती है, लेकिन जिस तरह के लोन निधि कंपनी प्रोवाइड करती है वो पूरी तरह से सिक्योर्ड होता है। मतलब आपको कोई प्रॉपर्टी अपना रखना पड़ेगा उस लोन को प्राप्त करने के लिए। आइए जानते हैं कि क्या क्या बेसिक प्रावधान है एक निधि कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। तो सबसे पहले तो निधि कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, इसीलिए इसके इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको 7 लोगों की ज़रूरत होगी। 7 शेयर होल्डर्स होते हैं और 3 डायरेक्टर्स होते हैं। आप चाहो तो 7 शेयर होल्डर्स में से ही 3 व्यक्तियों को डायरेक्टर्स बना सकते हैं। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी एक निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, वह यह है कि हमारा मिनिमम कैपिटल 5 लाख का होना चाहिए और 1 साल के अंदर हमें मिनिमम कैपिटल 10 लाख तक करना पड़ेगा। हर एक निधि कंपनी के नाम के पीछे निधि या म्यूचुअल बेनिफिट वर्ड लगाना अनिवार्य है। अब गौर करते हैं कि निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो 1 साल के अंदर हमें मिनिमम 200 मेंबर्स कंप्लीट करने होंगे। कैपिटल हमें बढ़ा के 5 लाख से 10 लाख करना होगा और हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि नेट ओन फंड से डिपॉजिट की जो रेशियो है वो 20:1 मेंटेन्ड रहे। आमतौर पर निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए 15 से 20 दिन का समय लगता है। अगर आपने तय कर लिया है कि वह 7 व्यक्ति कौन होंगे जो निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए भागीदारी करेंगे, तो आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि सबका डिजिटल सिग्नेचर और DIN उपलब्ध है कि नहीं। अगर नहीं तो सबसे पहले हम डिजिटल सिग्नेचर्स बनवाएंगे। उसके बाद निधि कंपनी नाम को रिजर्व करवाएंगे। जब निधि कंपनी का नाम रजिस्टर हो जाएगा तब हम इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और फिर उसे स्पाइस फॉर्म के द्वारा फाइल कर देंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। एक बार जब स्पाइस फॉर्म फाइल हो जाता है तो मिनिस्ट्री आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन को चेक करती है और अगर सब कुछ सही होता है तो 5 से 7 दिन में निधि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि इस प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स पे नज़र डालें तो 7 व्यक्तियों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर लगता है। इसके अलावा जहां पर भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होगा वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी और रेंट रिसीट अगर वो प्रॉपर्टी रेंट पे ली गई है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ेंगे। निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन में जो खर्चा आता है वो बहुत ही सामान्य है और स्टेट टू स्टेट बेसिस पे अलग अलग होता है। अगर आप और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।